हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये तना छेदक कीट है जो लगभग सभी बैंगन के प्लांट पे अटैक करते हैं और सारे गार्डनर्स इससे परेशान ही रहते हैं। हम इतनी मेहनत से अपना प्लांट ग्रो करते हैं लेकिन जब फ्रूटिंग का टाइम आता है तो उस पर पेस्ट अटैक करने लगते हैं। ये फल छेदक मक्खी है जिसकी वजह से वो पेस्ट जो है हमारे फ्रूट में और प्लांट के स्टेम में पहुँच जाते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, ये मक्खियाँ जो हैं प्लांट के जो हमारे पत्ते होते हैं, पत्तों पे इस तरीके से अंडे दे देती हैं और जो बाद में बड़े होकर इस तरीके से स्टेम के अंदर घुस जाते हैं। ये अंदर ही अंदर स्टेम को खोखला करते रहते हैं। जब स्टेम में ये तना छेदक कीट घुस जाते हैं तो वहाँ का जो तना है वो मुरझाकर झुक जाता है। यही पहचान होती है कि इस प्लांट में तना छेदक कीट ने अटैक कर दिया है। आपको प्लांट पूरा हरा भरा रहेगा लेकिन जगह जगह से जो है टहनियाँ जो है मुरझा मुरझा करके झुक जाएंगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तना छेदक कीट से कैसे छुटकारा पाया जाए इस वीडियो में हम यही बताएंगे। इस तरीके से जब पेस्ट अटैक कर देते हैं तो छोटे छोटे फ्रूट्स भी ख़राब होकर गिरने लगते हैं। फल देखने में एकदम सही लगेगा लेकिन उसमें एक छोटा सा छेद हो जाता है जिसके माध्यम से कीड़ा जो है वो फल में प्रवेश कर जाता है। आप देख सकते हैं कैसे तना मुरझा करके झुक गया है। यही लक्षण हैं जो आपके प्लांट में दिखाई देंगे। देखिए पूरा प्लांट एकदम हरा भरा है लेकिन जहाँ पर भी इस कीट ने अटैक किया है, हम नज़दीक से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। देखिए पूरा प्लांट एकदम हरा भरा है लेकिन जिस भी तने में तना छेदक कीट ने प्रवेश कर लिया है वो इस तरीके से लटक जाता है। इसको हमें क्या करना है, जिस तने में कीट ने अटैक कर दिया है उसको तो हमको काट कर निकालना पड़ेगा। आप देखिए ध्यान से कि जहाँ से भी मुरझा कर के तना लटक गया है उसके एक इंच नीचे से हम उसको काट देंगे ताकि कीट जो है और पौधे में अंदर ना प्रवेश करने पाए, नहीं तो पूरा पेड़ खोखला हो जाएगा अंदर अंदर। इस तरीके से कीट धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाएगा और पूरा पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। तने को काटने से हमारे पूरे प्लांट में कोई नुकसान नहीं होता है बल्कि और नई नई ब्रांचेस आने लगती हैं जिससे फ्रूटिंग और ज़्यादा होती है। इसलिए जो भी ख़राब ब्रांचेस हैं जिस पे तना छेदक कीट ने अटैक कर दिया है उनको सबसे पहले हम काट कर हटा देंगे। अगर थोड़ा बहुत अटैक हुआ है प्लांट पे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके से ट्रैप का भी यूज़ किया जा सकता है। फेरोमोन ट्रैप से आप तना छेदक कीट पे नियंत्रण पा सकते हैं। स्टार्टिंग में तो हम नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं लेकिन जब बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है प्लांट पे, इस तरीके से स्टेम्स में अच्छे से जब कीड़े घुस जाते हैं तो उन्हें काट कर पहले तो हम हटाएंगे। उसके बाद अगर ऑर्गेनिक से हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है और तब हम केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे क्योंकि ये तना छेदक कीट जो है ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। आपका पूरा पौधा ख़राब हो जाता है इससे। जब थोड़ा बहुत अटैक हो तभी आप ऑर्गेनिक यूज़ करिए लेकिन जब बहुत ज़्यादा अटैक हो जाए तो आप केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि प्लांट पे फ्रूट ना लगे हों। जो भी फ्रूट लगे हों उन्हें आप हटा लीजिए। ये तना छेदक कीट से फसल में उपज की भी कमी हो जाती है क्योंकि जब भी फ्रूटिंग का टाइम आता है छोटे छोटे फ्रूट सभी बन रहे होते तभी ये कीट अटैक कर देता है और ऊपर से ही इस तरीके से टहनियों को
बर्बाद कर देता है। तो जिसमें फ्रूट लगते हैं, फ्लावर आते हैं, जब वो तना ही झुक जाएगा तो फ्रूट लगेगा ही नहीं आपका। ये टाटा का टैफगोर लिया है मैंने। 1 लीटर पानी में 5 ml डालेंगे और उससे पूरे पौधे पर अच्छे से स्प्रे कर देंगे ताकि ये तना छेदक कीट की समस्या जो है वो ख़त्म हो जाए। ये मैंने स्प्रे बॉटल में 5 ml जो 1 लीटर में मिक्स कर लिया है, इससे मैं पूरे पौधे पर छिड़काव करूँगी। देख सकते हैं पूरे प्लांट पे जहाँ पर भी फ्रूट लगने का वो था, सब जगह तना छेदक कीट ने अटैक कर दिया। इसको मैंने ब्लेड से काटा है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कैसे तने के अंदर कीड़े ने अपनी जगह बना ली है। जब पौधे से टहनियों में भोजन अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि कीट ने तो बीच में खोखला कर दिया है, और जब अच्छे से भोजन नहीं मिल पाता है टहनियों को तो वो मुरझा कर लटक जाती है और फ्रूटिंग फ्लावरिंग कुछ भी नहीं हो पाता उसमें, और वो बर्बाद हो जाती है इस तरीके से। तो हमें कोशिश करनी है कि 1 इंच नीचे से जहाँ पे भी मुरझाया हुआ है उससे 1 इंच नीचे से कट करें, ताकि कीट अगर थोड़ा बहुत अंदर गया है, अगर जब तक दिख रहा है कि हाँ अभी थोड़ा और इफ़ेक्टेड एरिया है, तो उसको भी काट कर आप हटा सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी चाकू या नया ब्लेड का इस्तेमाल करें ताकि आपके प्लांट में इन्फेक्शन ना होने पाए। जो भी गार्डनिंग टूल आप यूज़ करिए उसको पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रोगाणु मुक्त कर लीजिए, क्योंकि जब पौधे के काटते हैं तो उसमें इन्फेक्शन का डर बना रहता है। ऐसे अच्छे से देख ले, एक भी टहनी झुकी हुई ना छोड़े। जितना भी प्लांट में अटैक हुआ है, जितनी भी टहनियाँ झुकी हुई हैं, उन सबको काट कर अलग कर लीजिए। आप घबराइए मत, आपका पौधा बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। प्लांट में जितने ड्राई लीव्स होते हैं उन्हें भी कट कर देना चाहिए। ये बेकार में प्लांट की एनर्जी लेते हैं। विनियल प्लांट में हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम पत्ते रखें जितनी प्लांट को ज़रूरत है कि उसको भोजन बना सके अच्छे से। बहुत ज़्यादा पत्ते रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पत्तों के नीचे ही जो ये इंसेक्ट्स होते हैं वो अंडे देते हैं और जो हमारे प्लांट में घुस जाते हैं और उसको नुकसान पहुँचाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट में बहुत कम पत्ते हैं, मैंने एक्स्ट्रा लीव्स हटा रखी है। इससे प्लांट आपका हेल्दी रहेगा। 1 लीटर टाटा टैफगोर को मैंने जूस का मिक्स बनाया है, उससे पूरे प्लांट पे उसका स्प्रे करूँगी। ये आपको बारिश के दिनों में सप्ताह में 2 बार करना है, क्योंकि जब स्प्रे करते हैं तो बारिश आ जाती है और बह जाता है उसका इफेक्ट, नहीं हो पाता उतना। तो आप कोशिश करें कि जब तक आपका प्लांट पूरी तरह से हेल्दी ना हो जाए, आप सप्ताह में 2 बार इसका स्प्रे कीजिए, और आपका प्लांट जो है कि तना छेदक कीट से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।